खूबसूरत है। सीरियसली शी इज ब्यूटीफुल। अच्छा वही मैं कहो कि यूनिवर्सिटी जाने की जल्दी क्यों पड़ी रहती है तुम्हें रोज? हाँ शी इज ब्यूटीफुल। पता है क्या जीने की वजह बन गई है। अच्छा एक बात बताओ इसको तुम पसंद कैसे आ गए? कैसे ये मुआजिजा कैसे हुआ? क्या मतलब? मैं कोई ना पसंद आने वाली चीज हूँ? Dude, I'm extremely good looking. नहीं मतलब extremely. यार, she's beautiful. है ना? बहुत. सच्ची है? हाँ. मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। कहो बेटा क्या बात है? फुप्पो वो मेरे कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो गए तो मैं चाह रही थी कि एडमिशन लेकर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दूं। चलो नया काम शुरू। अब हमारी बहू रानी कॉलेज जाया करेंगी। ये कोई नई बात तो नहीं है। हमजा और मेरी शादी से पहले डिसाइड हो गया था कि मैं अपनी स्टडी नहीं छोड़ूंगी। हाँ तो बेटा फिर ये तो हमजा ही बताएगा ना, तुम्हें इससे ही इजाजत लेनी चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं है, हिरमशा का अपना घर है, जो मर्जी करे जहां मर्जी चाहे। माशाल्लाह माशाल्लाह जीते रहो बेटा जीते रहो। तुम्हारे बेटे ने जोरू का गुलाम होने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। वाह वाह। अच्छा तो ये भी फरमा दीजिए कि आप कैसे जाया करेंगी और कैसे आया करेंगी। पापा आप उसकी फिक्र ना करें, बाबा बहुत जल्द हमजा को नई गाड़ी निकलवा कर देने वाले हैं। तो हमजा जब ऑफिस जाया करेंगे मुझे भी रास्ते में ड्रॉप कर देंगे, है ना हमजा? मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। लाफिस बेटा लाफिस। जब से मेरी शादी हुई है ना मैंने एक चीज फील की, इस घर में कोई भी हमजा और मुझे खुश नहीं देख सकता। जैसे ही हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है कोई ना कोई मुखालफत लेके खड़ा हो जाता है। तुम्हें देख लो हमजा का ऑफिस ज्वाइन करना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हमजा की मुखालफत नहीं कर रही बल्कि अगर कभी हमजा कामयाब हो तो उसकी बहन होने के नाते मुझसे ज्यादा खुश कभी कोई हो ही नहीं सकता। इसी बात की तो मुझे हैरत है। हाँ यही तो मैं सोच रही थी कि तुम तो उसकी बहन हो, तुम्हें तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, लेकिन शायद तुम हमजा की बहन कम और उमर भाई की बीवी ज्यादा। तुमसे मेरी खुशी नहीं देखी गई। By the way, thank you मुझे मुबारकबाद देने के लिए। उलझी बातें सुलझी नहीं, गिर है खुलने वाली नहीं, काहे मुझसे खोए कहीं, मेरे अपने क्यों मेरे लुबना, पतीली में चम्मच चलाना छोड़ो और सर्व करना शुरू करो। श्री बेगम साहब बस प्याली ही निकाल रही थी मैं। जल्दी करो। और ये नेहा कहाँ रह गई? तुमने इसे बुलाया था? पता भी है कि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा? भाभी आप किचन में क्या कर रही हैं? कोई काम होता तो मुझे बता देती ना, मैं कर देती। आपको तो सिर्फ आराम करना चाहिए। आराम
अपने आराम का ख्याल मैं तब करूँ ना जब कोई मेरा हाथ बटाए, किसी को मेरा ख्याल हो। लेकिन नहीं, इस घर में सारे काम चोर है, सारे के सारे। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल सबके लिए सबसे जरूरी आपका आराम है और कुछ भी नहीं। आप प्लीज कमरे में जाइए, मैं आपके लिए चाय बना के आऊंगा। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत एहसान है आपका मेरे पे। आज देर हो गई काफी, ऑफिस में बहुत जरूरी काम। सांसे सवाली चारों तरफ सोना पुल, चाहा था जैसे वैसे हुआ ना, टूटे ना कैसे ये मन। उलझी बातें सुलझी नहीं, गिर है खुलने वाली नहीं, काहे मुझसे को मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो, क्या बात है? मरियम के बारे में बात करनी है। मरियम के बारे में? तुम जानते हो ना कि वो तुम में इंटरेस्टेड थी हमारी शादी से पहले, मगर वो हमारे दरमियान आ रही है। सीधी तरह क्यों नहीं कह देती हो कि तुम्हें मुझ पर शक है? शक की बात नहीं है, जो जैसे दिख रहा है मैं वैसे बता रही हूँ तुम्हें। तुम जानते हो ना सब, वो पीछे पड़ी हुई है तुम्हारी उम्र, हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रही है अब वो। My God, please stop this. अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं हद पार कर रही हूँ? तुम और मरियम क्या कर रहे हो? बस प्लीज, बहुत बोल लिया तुमने। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी हर वक्त की शिकायत से। दिस इज इंट अबाउट मरियम, इट इज अबाउट माई फैमिली। रोज कुछ ना कुछ होता है, कभी मामा, कभी रमशा, कभी कोई, कभी कोई। तुम्हारी शिकायत खत्म ही नहीं हो रही, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है नेहा, और अब मैं तंग आ गया। तुम शादी के बाद बिल्कुल बदल गई हो नेहा, बिल्कुल बदल गई। तुम्हारी जिंदगी से सुकून तो जैसे चला गया, तो मेरा यहां रहने का दिल भी नहीं चाहता। दफाई हो जाओ यहां से। तेरी दूरी के शोलों में कितना जला हूं बुझा, इतना टूटा हूँ सवार ऐसे जिया हूँ मरा हूँ, उलझी बातें सुलझी नहीं, गिर है खुलने वाली नहीं, काहे मुझसे को हुआ। इस वक्त रात में यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? ठंडी हवा चल रही है, बीमार हो जाओगी, अंदर आओ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ मैं, कोई नहीं है मेरे जज्बात को समझने वाला, मेरी फिक्र करने वाला। हर कोई मुझे बदतमीज खुद सर समझता है, सब लोग मेरी जिंदगी का फैसले का हक मुझसे छीनना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है मरियम, तुम गलत समझो। तुम भी लोग साथ खड़े हो ना, तुम भी यकीनन मुझे तहजीब और तमीज सिखाने आए हो, नसीहतें देने आए हो मुझे। प्लीज चले जाओ। प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, बस अनजाने में ही। लेकिन तुम मुझे बरसों से तकलीफ देते आ रहे हो, मैं तुम ही हो जिसे मैं हमेशा चाहती हूँ, तुम्हारे होने के बरसों से ख्वाब देखती आ रही हूँ मैं। ऐसे कैसे किसी अनजान शख्स को मैं उस जगह पे बिठा लूं, उस मुकाम पे बिठा लूं मैं? बोलो, जवाब दो ना। मैं क्या अब भी तुम मुझे बदतमीज बदलिहाज का नाम दोगे? बोलो ना उमर,
प्लीज ऐसे रोना बंद कर दो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन लेकिन उतना नहीं। तुम अपनी जिंदगी जाया मत करो। देखो तुम शायद मेरी जगह पर होती तो मेरी बात को समझ सकती। तुमसे बार बार कह रहा हूँ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। तुम बहुत अच्छी लड़की हो मरियम, यू हैव गॉट अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, ऐसे मत करो अपने साथ। जिंदगी नहीं रुकती, आगे बढ़ना सीखो प्लीज। जब तक इस दिल में धड़कन है ना उमर, ये तुम्हारा ही नाम लेंगे। ये है तुम्हारी वो मीटिंग्स। Assalamualaikum everybody, this is Hajra Yameen. Please do like AirY Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.